नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक द्विवेदी रेडियन लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों ने हमें मैसेज और कॉल करके यह बताया है कि उन्हें इस फॉर्म को भरने में दिक्कत आ रही है। तो ऐसे बच्चों को मैं भी बताना चाहूँगा कि उन्हें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म कैसे भरेंगे उसके बारे में सरल तरीके से और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं और उसे कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर, जहां आपके सभी समस्या का समाधान है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक है, ये हम देखिए, ये पूरा वेबसाइट ये ओपन हो गया, ये इनका पहला पेज है। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024, हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, हम इस पर जैसे ही क्लिक किए एक दूसरा पेज खुल गया। अब इसमें देखिए, ये जो पहला ऑप्शन है, क्लिक हेयर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन 2024, जी हाँ, अब हम क्या करेंगे कि इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा एक फॉर्मेट आपको दिखेगा। इस फॉर्मेट का मतलब है कि जवाहर नवोदय विद्यालय भी आपको चेक करना चाहता है कि आप इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं कि नहीं। ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको फिल करना है, फिल करके सबमिट करना है और उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय डिसाइड करेगा कुछ ही पल में, कुछ ही सेकंड्स में, कि आप इस फॉर्म को भरने के योग हैं कि नहीं। तो देखिए, तो जो सबसे पहले इसमें पहला ऑप्शन है, द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड क्लास 5th पीरियड 2 सेशन 2023-24, यानी कि जो कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, क्या वो इस सेशन 2023-24 के पहले पाँचवीं को पास कर चुके हैं? जी नहीं, जो इस 2023 सेशन के पहले पाँचवीं क्लास को पास कर चुके हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, तो इस फॉर्म को वही भरेगा जो अभी पाँचवीं में पढ़ रहा है, यानी चौथी पास करके पाँचवीं में गया है, वहीं इस फॉर्म को भर सकता है। तो पहला ऑप्शन है, इसमें हम क्या करेंगे, नो, यानी कि हमने इस सेशन 2023-24 से पहले हमने पाँचवीं पास नहीं की है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर। दूसरा ऑप्शन क्या है, द कैंडिडेट हैज अपेयर्ड इन JNBST अर्लियर, क्या जो कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं, जो बच्चा भरना चाह रहा है, क्या वह पहले भी अप्लाई कर चुका है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, एग्जाम दे चुका है? तो अगर आप पहले इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को दोबारा नहीं भर सकते, दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें हमें क्या देना है, नो, यानी कि हम पहले जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए ट्राई नहीं किए हैं, हम पहली बार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या रहेगा, नो। अब तीसरा ऑप्शन आता है, हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, क्या आपने जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रोस्पेक्टस को पढ़ लिया है? तो जी हाँ, कोई भी हो जो इसके लिए अप्लाई करना चाहता है बच्चा, वो इसके प्रोस्पेक्टस को ज़रूर पढ़ेगा। तो आपने इसके प्रोस्पेक्टस को ज़रूर पढ़ा होगा, तो इसमें हम क्या देंगे, यहाँ यस कर देंगे, कि यानी कि हमने आपके प्रोस्पेक्टस को भैया बहुत बढ़िया से पढ़ लिया है और उसके बाद ही हम ये फॉर्म भरने जा रहे हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है, वेदर योर डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इन सेम, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप जहाँ से पाँचवीं में पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल से पाँचवीं में पढ़ रहे हैं, उस स्कूल का डिस्ट्रिक्ट और आपका जिला जो गृह है, ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस, क्या दोनों सेम हैं, दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में हैं? अगर ऐसा है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यस,
कि जी हाँ, हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस ज़िले में मेरा स्कूल है, मेरा घर भी उसी ज़िले में है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यस कर देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रोमोटेड फ्रॉम क्लास फोर्थ एंड एडमिटेड टू क्लास फिफ्थ बिफोर 31 जुलाई 2023। ठीक है, यानी कि आपका जो कैंडिडेट है, जो इस फॉर्म को भर रहे हैं, क्या वो 31 जुलाई 2023 से पहले क्लास फोर को यानी चौथी को पास करके पांचवी में गए हैं? ठीक है, तो जी हाँ, यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ हम यस कर देंगे कि जी हाँ, हम 31 जुलाई 2023 से पहले चौथी पास करके पांचवी में प्रवेश कर चुके हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यस कर देंगे। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसको भी देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है, डू यू हैव आधार नंबर, क्या आपके पास आधार नंबर है? अगर आधार नंबर है तो आप इसमें यस कर सकते हैं। जैसे यस करेंगे तो यहाँ आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा, 12 नंबर का जो आधार नंबर होता है वो यहाँ डालना पड़ेगा। इनकेस ऐसा भी होता है कि अभी किसी बच्चे का जो फॉर्म इस फॉर्म को भरना चाह रहा है, उसके पास उसका आधार नंबर नहीं है, उसका आधार कार्ड अभी नहीं बना है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर नो कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पर नो कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ नो करेंगे तो यहाँ ये कह रहा है कि जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा फिफ्थ में पाँचवीं में पढ़ रहा है, उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। यानी यहाँ कह रहा है कि जिस बच्चे का आधार नंबर नहीं है, वह अपने माता पिता का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करे जिस पर उनके रेसिडेंस का जिक्र हो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ एक फ़ोटो चूज करेंगे, यहाँ एक डॉक्यूमेंट हम चूज करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको सैंपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। हम यहाँ क्या करेंगे कि एक डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने अपना आधार एक ले लिया। ठीक है, देखिए इसमें लग रहा है कि कुछ ऑप्शंस यहाँ छूट रहे हैं, इस वजह से हाँ यहाँ हमें यहाँ भी यस कर देना है। ठीक है, यानी कि हम जहाँ पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं पाँचवीं में, वह डिस्ट्रिक्ट और मेरा जो रेसिडेंस डिस्ट्रिक्ट है वो दोनों सेम हैं। ठीक है, हम जैसे ही यहाँ इस फॉर्म को जैसे ही फिल करेंगे, इस फॉर्मेट को, और यहाँ पर अपना एक जैसे माता पिता का एक डॉक्यूमेंट यहाँ डालेंगे जिस पर रेसिडेंस का उनका जिक्र हो। ठीक है, हम ये पूरा जैसे ही फिल कर लेंगे तो यहाँ सबमिट का ऑप्शन आएगा। हम जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हम सीधे चले जाएंगे उस मेन फॉर्म पे, जिसको भरने के बाद और जिसे ही भरने में दिक्कत आ रही है बच्चों को, उस फॉर्म पर हम चले जाएंगे। ठीक है, और उस फॉर्म को भी हम भरेंगे। देखिए कैसे भरेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, मैंने पूरा इसे जूम कर दिया है ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, साफ साफ एकदम। तो पहला जो ऑप्शन है क्या है, उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा पाँच में पढ़ रहा है, यानी कि अपने स्टेट का, आप जिस राज्य से हैं उस राज्य का यहाँ चयन करना है, भरना है। मैंने बिहार भर दिया क्योंकि मैं बिहार से हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने बिहार कर दिया। अब ये बोल रहा है कि उस जिले का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा पाँच में पढ़ रहा है। ठीक है, स्टेट तो हमने चयन कर लिया, स्टेट डाल दिया, अब हम यहाँ क्या करेंगे, जिले का चयन करेंगे। तो मेरा जो ज़िला है वो है भोजपुर। ठीक है, यहाँ मैंने भोजपुर कर दिया। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पर, ध्यान से देखिएगा, इसे स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, नोट करते रहिएगा कि मैंने किस बॉक्स में क्या भरा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि स्टेट तो हो ही गया, डिस्ट्रिक्ट हो ही गया, अब ये बोल रहा है कि उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा पाँच में पढ़ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारा जो है, मैंने क्या डाल दिया, अपना ब्लॉक डाल दिया तरारी। ठीक है, अब ये आगे बढ़ते हैं, हम चौथे ऑप्शन पर आते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि
उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। ठीक है, आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में 5वीं में पढ़ रहे हैं, उस विद्यालय का नाम लिखना है यहाँ। ठीक है, तो जैसे मैं अपने विद्यालय का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से एकदम देखिएगा, मैं आपको साफ साफ दिखा रहा हूँ, मैं सामने से हट जा रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। अब अगला जो है ऑप्शन, वह है नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी उम्मीदवार का नाम। तो इसमें हम क्या करेंगे, उम्मीदवार का नाम भरेंगे। जैसे मैंने भर दिया उम्मीदवार का नाम आगमन। ठीक है, मैंने आगमन भर दिया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिए मोबाइल नंबर मांग रहा है। इस यहाँ पे जो बच्चे हैं जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके माता पिता का नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर वही होना चाहिए ध्यान से, क्योंकि इस पर इसी नंबर से सारे प्रोसेस पूरा होते हैं, जैसे OTP वगैरह आना, और भी कोई इन्फॉर्मेशन देना एग्ज़ाम से रिलेटेड, मतलब कोई भी। तो यहाँ मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। चलिए मैं इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, मोबाइल नंबर डाल दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या मांग रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, यानी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। चलिए हम एक डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, मैंने दे दिया। ठीक है, मैंने दे दिया यहाँ 2/7/2014। ठीक है, कोई भी जो ले ले। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे ईमेल आईडी मांग रहा है। ईमेल आईडी की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी देना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी बताया मोबाइल नंबर के बारे में कि मोबाइल नंबर से ही आजकल जितने भी प्रोसेस हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो हो सकता है कि ईमेल आईडी भी आपका मेल वगैरह भी आए JNV के तरफ से, जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देना हो आपको, तो यहाँ आप अपनी मेल आईडी भी डाल सकते हैं। जैसे मैं अपना मेल आईडी यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, मैं सब कुछ एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ और बढ़िया से भर के बता रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ समझ में आए और फिर आपको दिक्कत ना आए इस फॉर्म को भरने में। ठीक है, यहाँ मैंने अपना क्या डाल दिया, ईमेल आईडी मैंने डाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है, मदर्स नेम, यानी कि माता का नाम। ठीक है, चलो माता का नाम भी हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फादर्स नेम। ठीक है, फादर्स नेम भी हम यहाँ डाल देते हैं, मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है, एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया से बता रहा हूँ, इससे बढ़िया कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, नेम ऑफ द गार्जियन, ये ऑप्शनल है, ये जो है ऑप्शन, ये आपका ऑप्शनल है, यानी कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं और वो गार्जियन पर ही डिपेंड है, उनकी जो कस्टडी है गार्जियन के अंदर ही है, वो अपने यहाँ गार्जियन का नाम दे सकते हैं, लेकिन जिनके माता पिता हैं और माता पिता ही सब कुछ देख रहे हैं वो अपने माता पिता का नाम दे सकते हैं, यानी कि इस ऑप्शन को आप मतलब कि खाली छोड़ सकते हैं, ये वैकल्पिक है, ऑप्शनल है ये। ठीक है, अगर आप यहाँ गार्जियन का नाम देते हैं तो यहाँ ये भी पूछ रहा है कि रिलेशन क्या है उस व्यक्ति के साथ जिसका नाम आप दे रहे हैं गार्जियन के रूप में, उसके साथ आपका संबंध क्या है, रिश्ता क्या है, यहाँ आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आपका नेशनल, राष्ट्रीयता आपका क्या है। ठीक है, तो इंडियन है, स्वाभाविक है, हम सब इंडियन हैं, इंडियन ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या भर देंगे, इंडियन।
ठीक है। अब पूछ रहा है आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब होता है कि किसी का कहीं कटा होता है, कहीं तिल होता है, कुछ टाइप का अगर कोई भी मार्क हो तो आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें भर देते हैं कि मोल ऑन लेफ्ट हैंड, यानी कि मेरे बाएं हाथ पर एक तिल है, ठीक है। उसको मैंने क्या निशान के रूप में, मार्क के रूप में, पहचान चिन्ह के रूप में इसे मैंने भर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है। आगे है जेंडर, यानी कि लिंग। लिंग में हम जो भी हो आप, जैसे मान लीजिए यहाँ जो मैंने नाम जो दिया है आगमन, वो मेल का नाम है, तो यहाँ पर हम मेल कर देते हैं, ठीक है। क्या कर दिए, मेल कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कैटेगरी, यानी श्रेणी। आप किस श्रेणी में आते हैं, यानी जनरल में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं कि ओबीसी में आते हैं, ठीक है। इसमें से चारों में से आप जिसमें जिस कैटेगरी में होंगे उस कैटेगरी को यहाँ भर देना है, ठीक है। तो मैं इसको जनरल कर देता हूँ क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ। अब यहाँ पूछ रहा है कि एड्रेस, एड्रेस में क्या भरना है। तो आपका जो रेजिडेंस का एड्रेस है वहाँ भरना है, वो भरना है इसमें। तो यहाँ मैं अपना एड्रेस भी भर देता हूँ, ठीक है। मैं अपना एड्रेस भर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ क्या बोल रहा है, पिन कोड, यानी आपका पिन कोड क्या है। तो यहाँ पिन कोड भी आप डाल सकते हैं, मैं अपना पिन कोड यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा का माध्यम, यानी बच्चा जो अप्लाई कर रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एग्ज़ाम देना चाहता है, वो किस मीडियम में देना चाहता है, ठीक है। तो आप यहाँ जो भी हो आप चूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने इंग्लिश चूज कर लिया, ठीक है। और ये सब आपको एसटीडी कोड, टेलीफोन, ये ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर आप डिजेबिलिटी, मतलब अगर आप दिव्यांग हैं, ठीक है, अगर आप दिव्यांग हैं तो इस ऑप्शन को आप इसमें भर सकते हैं या फिर इसे खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दे रहा है ये तीन ऑप्शन है, ठीक है। ऑर्थो पेडिकली हैंडीकैप्ड, विजुअली हैंडीकैप्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, ठीक है। ये तीन ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, नॉन भी है, आप इसमें से जो भी चाहें। जैसे मान लो इसको मैंने नन कर दिया, ठीक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जब हम इसमें कुछ रखेंगे तब ये ऑप्शन काम करेगा, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि कितना है विकलांगता का प्रतिशत, कितना है परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ हम नन कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब ये मांग रहा है रिलीजन, यानी कि आपका धर्म क्या है। तो धर्म भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। कुछ भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका धर्म है आप यहाँ धर्म डाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ मांग रहा है आधार नंबर, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो डालिए, नहीं है तो इसको आप ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पूछ रहा है कि एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स इन रुपीज, ठीक है, माता पिता की वार्षिक आय रुपए में बताएं। कुछ भी हो, आपके माता पिता का जो भी वार्षिक आय हो आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ भर दिया 5 लाख, कितना, 5 लाख जो है माता पिता का जो वार्षिक आय जो है वो 5 लाख है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी इस फॉर्म को भरने में। अब जैसे ही मैंने ये पूरा फॉर्म आपको भर दिया, ठीक है, ये सारा कुछ, अब हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है। इसमें वही चीज़ें हैं, इसमें आप कुछ भी चेंज मत करिएगा। ये जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं इसमें दे रहा है कि आप कक्षा 3 का विवरण भरें,
कक्षा फोर का विवरण भरें और कक्षा पाँचवीं का, ठीक है, इसमें बता रहे हैं। मतलब कि राज्य का नाम, आप कहाँ से हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ये आ गया। जैसे ही हम फॉर्म को फिल किया, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ गया, ये ब्लॉक नेम आ गया। इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, छेड़छाड़ करेंगे तो दिक्कत होगी आपको फॉर्म भरने में। अब हम आगे बढ़ते हैं, दे रहा है गाँव का नाम, नेम ऑफ द विलेज, यानी कि नेम ऑफ द विलेज। तो मैं अपने गाँव का नाम यहाँ डाल लेता हूँ, स्टेप बाई स्टेप आपको बता रहा हूँ पूरा बढ़िया से। आप फिर मत कहिएगा कि आपको समझ में नहीं आया, आप पूरा बढ़िया से देख लीजिए। इस अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपके दिमाग में ये घुस जाए, जैसे अट जाए, आप इसको हटा लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि 10 दिन ही, 10 12 15 दिन ही बचे हुए हैं लास्ट डेट में फॉर्म भरने के। जो रजिस्ट्रेशन डेट हैं, रजिस्ट्रेशन के जो डेट हैं वो 10 अगस्त तक ही है, ये तो आपको पता ही है, मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ ये। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लोगों तक भी पहुंचाइएगा जो जिनको इस फॉर्म को भरने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, नेम ऑफ द विलेज, ठीक है, नेम ऑफ द विलेज दे दिया। और इसमें भी दिया कक्षा फोर का, तो इसमें भी मैं अपने दे दिया। और मैं जहाँ से, मतलब ये पूछ रहा है कि आप जहाँ से पढ़े हैं, जिस जहाँ पे स्कूल था वहाँ का आप यहाँ डालें, ठीक है, नाम डालें। यहाँ भी मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर भी कर दिया। अब ये बोल रहा है स्कूल का नाम, नेम ऑफ द स्कूल, यानी कि आपके स्कूल का नाम क्या है जहाँ से आप तीसरी कक्षा में पढ़े हैं, ठीक है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ, आप जहाँ से भी पढ़े हों, लेकिन इतना ध्यान रहे कि आपका जो स्कूल होना चाहिए वो आपके गृह जिले में ही होना चाहिए। और आप ये जो फॉर्म भरेंगे, आप अपने गृह जिले के ही किसी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए भर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप आपका जो गृह नगर जिला जो है वो है गोरखपुर और आप पढ़ रहे हैं बनारस से और चाहते हैं कि वाराणसी से ही आप इस फॉर्म को भरें और वाराणसी के ही स्कूलों में भरें, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप ना ही गोरखपुर से भर सकते हैं और ना ही बनारस से भर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है आपके लिए कि आप जिस ज़िले में हैं, जिस ज़िले के स्कूल में पढ़ रहे हैं, और उसी ज़िले में आपका जो है गृह जिला भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, नेम ऑफ द स्कूल, ठीक है, हम यहाँ स्कूल का नाम डाल देते हैं। यानी कि ये जो तीसरी कक्षा की बात हो रही है, किसकी, तीसरी कक्षा की बात हो रही है, इसमें हमने भर दिया। अब आते हैं अगला, यानी कि चौथी कक्षा की बात, यानी चौथी कक्षा में हम कहाँ पढ़े हैं, ठीक है, उस स्कूल का नाम यहाँ भरना है। तो अगर सेम हो तो सेम भी डाल सकते हैं, अलग स्कूल हो कि जैसे आप तीसरी में किसी और स्कूल में पढ़े हैं, चौथी में किसी और में पढ़े हैं, पाँचवीं किसी और में पढ़े हैं, ठीक है। अगर आप सेम स्कूल में पढ़े हैं तो आप सेम स्कूल का नाम भी यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और ये पांचवी कक्षा का जो विवरण है इसमें भी आप स्कूल का नाम डाल सकते हैं, ठीक है, यहां डाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां क्या बोल रहा है कि रेगोगनाइज्ड, ठीक है, यानी मान्यता प्राप्त, यानी कि आप जिस स्कूल से पढ़ रहे हैं, पांचवी में पढ़ रहे हैं, वो स्कूल क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर वो मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं है तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रहे कि आप जिस पाँचवीं कक्षा में आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वह स्कूल मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्कूल की स्थिति यानी स्कूल लोकेशन, यानी कि आपका जो स्कूल है वो शहरी क्षेत्र में है कि ग्रामीण क्षेत्र में है, ठीक है, यहाँ ये ऑप्शन आ रहा है। तो आपका जहाँ भी हो, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल है तो आप यहाँ पे रूरल कर सकते हैं, अगर आपका शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ रूरल कर दिया, ठीक है, रूरल। अब हम आगे बढ़ते हैं,
यहाँ भी हमने कर लिया रूरल, यहाँ भी कर लिया रूरल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि आप ये तीसरी कक्षा में आप कब प्रवेश किए थे, उस साल का यहाँ विवरण दें, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ 2021 यहाँ दे दिया मार्च, ठीक है, कहाँ तीसरी कक्षा का, और उसके बाद चौथी कक्षा का भी दे दिया 2022 मार्च, और इसको कर दिया 2023 मार्च, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ईयर या मंथ ऑफ पासिंग, ठीक है, उत्तीर्ण होने का वर्ष या माह, वर्ष और माह दोनों यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो हमने यहाँ कर दिया 2022 मार्च, 2023 मार्च और 2024 मार्च, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे फिर अपने अगले स्टेप पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ दे रहा है अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट पेरेंट गार्जियन, ठीक है, ये बच्चों के माता पिता के लिए है, थोड़ी समझ के लिए। इसमें वही है जो हमने जो स्टार्टिंग में जो आपको मैंने एक फॉर्मेट बताया था कि इस ये जो फॉर्मेट है जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा, इस भरने के बाद ही वो चेक करता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, आप इस फॉर्म को भरने के योग हैं कि नहीं। तो ये सारा ऊपर वाला ही ऑप्शन है जो हमने फिल किया था। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे क्या कह रहा है, माता पिता अभिभावक के शपथ पत्र, यानी कि हमें यहाँ अब क्या करना है, यहाँ कह रहा है कि अपलोड कैंडिडेट फोटो, उम्मीदवार की फोटो अपलोड करें, किसकी, उम्मीदवार की फोटो अपलोड करें। ध्यान रहे, ये जो फोटो होनी चाहिए वह 10 से 100 केबी के बीच होनी चाहिए, अगर ये 10 केबी से कम का होगा या 100 केबी से ज़्यादा का होगा तो आप ये अटैच नहीं होगा, यहाँ यहाँ अपलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ चूज का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ गया चूज किया और यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक फ़ोटो यहाँ पर कैंडिडेट का फ़ोटो यहाँ पर अटैच कर दिया, ठीक है, कैंडिडेट का फ़ोटो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर, यानी कि आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए, बच्चे से आप किसी कागज़ पर साफ बढ़िया सादा कागज़ पर एक सिग्नेचर करा करके उसका फ़ोटो ले करके, वो फ़ोटो भी देखिए 10 और 100 के बी के बीच में होना चाहिए, आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। कब देखिए, तो यहाँ मैं जो कैंडिडेट का सिग्नेचर है वो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, जो कैंडिडेट का सिग्नेचर है, चलिए कैंडिडेट का सिग्नेचर हो गया। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, माता या पिता के हस्ताक्षर अपलोड करें, माता पिता का, इसी तरह जैसे हमने यहाँ कैंडिडेट का, ये देख लीजिए जो कैंडिडेट का हमने जिस तरह से अपलोड किया उसी तरह यहाँ पर माता या पिता का किसी का एक हस्ताक्षर चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम मैं अपना, ठीक है, अपना साइन है यहाँ अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये क्या कह रहा है, सेव एंड प्रीव्यू, सहेजें और पूर्वावलोकन करें, ये बोल रहा है कि आप जो इस फॉर्म को भर रहे हैं, आपने जो भी भरा है आप इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए कि आपने कहीं इसमें गलती तो नहीं की है, ठीक है, तो आप इसको एक बार बढ़िया से देख सकते हैं भरने के बाद, क्योंकि अब हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं और लास्ट स्टेप के पास पहुंच चुके हैं, इसलिए ये ऐसा बोल रहा है कि अब आप इस फॉर्म को सबमिट करने वाले हैं, इसलिए एक बार इसे चेक कर लीजिए कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सही है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ क्या मांग रहा है, ये एक अपलोड कह रहा है कि एक सर्टिफिकेट भी इसके साथ, कौन सा सर्टिफिकेट, जो स्टडी सर्टिफिकेट है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक स्टडी सर्टिफिकेट भी है, ऐसे में इसके लिए कुछ भी मतलब यहाँ एक डाल दे रहा हूँ,
बाकी ठीक है, मैं ऐसे ही यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या डालना है, एक जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा एक स्टडी सर्टिफिकेट, एक फॉर्मेट आपको दिया जाएगा, जिसका प्रिंट निकाल करके आप उस स्कूल में ले जाएंगे जहां आप 5वीं में पढ़ रहे हैं, और वहां के हेड मास्टर द्वारा उस फॉर्म को पहले फिल, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे, उस फॉर्म को फिल करने के बाद आप उस पे अपने हेड मास्टर का साइन लेंगे, उनका सिग्नेचर लेंगे, और फिर वहां यहां पे उस सर्टिफिकेट को, जो स्टडी सर्टिफिकेट है, उसको यहाँ पर अटैच करना है। जैसे यहाँ पर जैसे ही अटैच करेंगे और सेव एंड प्रीव्यू करेंगे, तो आपका जो है ये फॉर्म सबमिट हो गया। ठीक है, आपका ये फॉर्म सबमिट हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि जिस के बारे में हमने बात किया कि वो सर्टिफिकेट के बारे में, वो जो स्टडी सर्टिफिकेट है उसके बारे में, ठीक है, तो स्टडी सर्टिफिकेट कौन सा है, वह ये है। इसका प्रिंट निकालना है आपको, इस प्रिंट और इसको भरना है, क्या क्या भरना है, क्या कह रहा है ये एक बार आइए देख लेते हैं। सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवेन वेलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नेम ऑफ द स्टूडेंट हु इज स्टडिंग इन क्लास फिफ्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम भर देना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ स्कूल एंड इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट ब्लॉक लेटर में, ध्यान रहे आपका जो जो पेन का जो कलर होना चाहिए वो ब्लैक में होना चाहिए या फिर ब्लू में होना चाहिए। ठीक है, आप और इसके अलावा कोई भी कलर यूज करते हैं तो आपका फॉर्म जो है कैंसिल हो सकता है। ठीक है, यहाँ क्या भरना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम यहाँ भरना है। ठीक है, अगर जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं और वो उनकी कस्टडी जो है गार्जियन के अंडर में है, तो आप यहाँ गार्जियन का नाम दे सकते हैं। यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। ठीक है, और इसी को यहाँ वर्ड में आप लिख सकते हैं। आप यहाँ जेंडर दिया हुआ है, बॉय हैं, गर्ल हैं कि ट्रांसजेंडर हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है कि एसटी है। ठीक है, ये आप यहाँ भर सकते हैं। नेचर ऑफ द डिजेबिलिटी, ठीक है, अगर आप विकलांग हैं, दिव्यांग हैं आप, तो इसमें आप भर सकते हैं। यहाँ दे रहा है कि डिजेबिलिटी का परसेंटेज क्या है, मतलब आप कितने भी विकलांग हैं, ये आपको दे देना है। यहाँ आधार नंबर दे देना है, ठीक है, अगर आपके पास है तो। और ये एड्रेस हो गया, यहाँ मोबाइल नंबर हो गया, आप ध्यान से देख लीजिएगा पूरा बढ़िया से। ये वही सर्टिफिकेट है, स्टडी सर्टिफिकेट, जो जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा आपको जारी किया गया है, और इसको लेकर के, इसका प्रिंट निकाल करके, भर करके, जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल के हेडमास्टर का इस पे साइन लेना है, और फिर उस फॉर्म के साथ, जो हम ऑनलाइन फॉर्म, जो हम इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि कैसे भरा जाएगा और कैसे सबमिट किया जाएगा, उस फॉर्म के साथ इसको अटैच करना है। ठीक है, अब यहाँ दे रहा है ईमेल आईडी हो गया, आइडेंटिफिकेशन मार्क हो गया कैंडिडेट का, एनुअल इनकम क्या है माता पिता का, नेशनलिटी क्या है, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, यहाँ आप इसमें भर देंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जो पहले मैं आपको फॉर्म में, इसमें से बहुत मतलब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, उन्हीं चीज़ को रिपीट कर रहा है ये ने। तो यहाँ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ आपको भर देना है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि नेम ऑफ द स्कूल स्टडीड 3, 4 एंड स्टडी फिफ्थ, आप किस स्कूल से पढ़े हैं उस स्कूल का नाम, 3, 4, 5 तीनों का यहाँ पर डाल देना है। स्कूल लोकेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रूरल है कि अर्बन है, आप ग्रामीण क्षेत्र में, आप जहाँ पढ़ रहे हैं वह स्कूल जो है ग्रामीण क्षेत्र में है कि शहरी क्षेत्र में है। ठीक है, मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, आप कब तीसरी कक्षा में प्रवेश किए थे और कब, और मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग, आप कब पास हुए और कब चौथी में गए, कब 5वीं में गए, ये सारा कुछ। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ द स्टेट,
अब मैं यहाँ भी अपना नाम डालना है, नेम ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सारा कुछ, और फिर आखिरी में सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ आपका सिग्नेचर होगा, और यहाँ सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट, यहाँ आपके माता पिता का, माता या पिता का यहाँ सिग्नेचर होगा। ये सारा जब ये फॉर्म आप फिल कर लेंगे तो नीचे मांग रहा है कि सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विद सील, ठीक है, सील के साथ हेडमास्टर का सिग्नेचर चाहिए यहाँ पर, और ये यहाँ आप एक फ़ोटो भी लगाएंगे अपना, और फ़ोटो को भी सील करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस फॉर्मेट को क्या करेंगे कि उस फॉर्म के साथ जब ऑनलाइन सबमिट करेंगे उस फॉर्म को भरने के बाद, तो इसको भी उसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे नहीं जानते हैं, आपके दोस्त वगैरह, रिश्तेदार, कोई भी हो जो इस फॉर्म को भरना नहीं जानते हैं, उनके तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ठीक है। हम फिर मिलेंगे इस तरह के और भी जानकारी लेकर के नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।